अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। वी वर रीडिंग चैप्टर 1 एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी लर्न हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइसेस डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। सो ओपन योर पेज नंबर 13। मेमोरी डिवाइसेस और स्टोरेज मीडिया। Memory is required for storing data and instruction. It is an essential component of computer system. Memory क्यों ज़रूरी है किसी भी computer के लिए? अगर हमें data instructions आ रहे computer में हम देते हैं input देते हैं तो वो ज़रूरी है कि वो कहीं पर store हो, उसके लिए हम ज़रूरत पड़ती है memory components की। The memory in a computer system is divided into two categories. दो में divide कर देते हैं हम memory को computer की, main memory और we can also call it primary memory. द नंबर टू इज सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑलराइट, लेट अस डिस्कस फर्स्ट टाइप, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी कॉन्स्टिट्यूट्स द मेमोरी यूनिट ऑफ द सीपीयू। इट इज मेनली बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। मेन मेमोरी हम उसको कहते हैं और कह भी इसीलिए रहे हैं इसे मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि ये डायरेक्ट सीपीयू के पास ही होती है, सीपीयू में ही लगी हुई होती है। ठीक है, और किससे मिलके बनी हुई होती है? आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी हुई होती है, और इसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब है सीपीयू डायरेक्ट यहाँ से डेटा ले सकता है और इसमें डेटा दे सकता है। अकॉर्डिंगली इट इज़ फास्टर कम्पेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी एंड द एक्सेस टाइम फॉर द सीपीयू इज़ वेरी लेस। और ये फास्टर मेमोरी है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से इसका एक्सेस टाइम कम है, इसकी स्पीड इसलिए ज़्यादा है डेटा इसमें डेटा देने और इसमें डेटा लेने की, क्योंकि ये सीपीयू के ही अंदर होती है। द मेन मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब मेन मेमोरी को भी हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम शॉर्ट में रोम कहते हैं एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। फर्स्ट टाइप पहले डिस्कस कर लेते हैं, रीड ओनली मेमोरी रोम। ROM is memory that can only be read, it does not allow to written into. ठीक है, ROM कैसी मेमोरी है, यानी उसका नाम ही है read only memory, only read only, यानी ठीक है इस मेमोरी में क्या होता है कि डेटा इसमें इससे रीड किया जा सकता है, जो भी इसमें डेटा फाइल सेव हुई हुई है उसको रन किया जा सकता है, तो उसको कंप्यूटर सिर्फ उसमें से डेटा रीड करता है। जब कोई एक फाइल प्रोग्राम्स रन हो रहा होता है तो हम कहते हैं कंप्यूटर रीड कर रहा है, अलाउ नहीं करता राइट करना। राइट करने का मतलब इस मेमोरी में कोई नई चीज़ सेव नहीं की जा सकती। ठीक है, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ रोम आर स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ इट्स मेकिंग एंड इट इज़ परमानेंट इन नेचर। तो जब हम कह रहे हैं कि इसमें कोई भी चीज़ हम राइट नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते, तो फिर उसमें फाइल्स कैसे आती हैं? देखें, जब ये डेटा और इंस्ट्रक्शन रोम में स्टोर की जाती हैं, जब ये बन रही होती है, इसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, तो उसमें डेटा जो भी देना होता है वो स्टोर कर दी जाते हैं, यानी उनमें कुछ फाइलें इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जो रोम में स्टोर कर दी जाती हैं, और वो परमानेंट इन नेचर का मतलब है वो परमानेंट होती हैं, वी कांट डिलीट देम और रिप्लेस देम। रोम इज़ आल्सो ऑफ वेरियस टाइप, लेकिन रोम भी डिफरेंट टाइप्स की मिलती हैं। ठीक है, अब ये जो है ये यूज़र के यूज़ के लिए नहीं होता है, बल्कि ये जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हैं और प्रोग्रामर हैं, रीड ओनली मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूज़ होती है। जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर होता है उसके साथ रोम लगा दी जाती है, तो वो उसमें इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं जो कंप्यूटर ऑन करने में ऑपरेट करने में हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, अब रोम की डिफरेंट टाइप्स पढ़ लेते हैं, लेकिन ये याद रखें ये यूज़र के लिए नहीं है, जनरल यूज़र के लिए नहीं है। नंबर वन, प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम कहते हैं इसको शॉर्ट में। PROM is a type of ROM that can be programmed to record information. अब ये कैसी ROM है कि इसमें हम डेटा सेव कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। Once it has recorded the information, it cannot be changed and the information become permanent. लेकिन एक दफ़ा आपने एक ROM ली, empty ROM थी वो, उसको प्रोग्राम किया यानी उसके अंदर फाइल्स स्टोर कर दी, फिर एक दफ़ा जो फाइल या इन्फॉर्मेशन आपने इसमें सेव कर दी वो अब अपना चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट हो गई। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, यानी हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन ओनली वंस। सेकंड टाइप है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम।
EEPROM. EEPROM is another type of ROM that can be erased and reprogrammed to record information. अब इसका नाम ही है इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM, यानी इरेजेबल मिट सकती है, डिलीट हो सकते हैं, जो प्रोग्राम भी हो सकता है इसको, और डिलीट करके दूसरे प्रोग्राम भी आ सकते हैं. ये भी ROM की एक टाइप है. इस क्या कर सकते हैं हम इसमें, प्रोग्राम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं. एक प्रोग्राम आपने इसमें स्टोर किया हुआ है, उसको इरेज किया, डिलीट किया, और दूसरा इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम इसमें सेव कर दिया, तो इरेज एंड रीप्रोग्राम, ये ऐसी ROM है, EEPROM. अब इसकी थर्ड टाइप है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM, EEPROM. इरेजेबल प्रोग्रामेबल तो समझ में आ गया. अब ये है इलेक्ट्रिकली, किस तरीके से इसको इरेज किया जाता है प्रोग्राम्स को, इसमें जो सेव हुए होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज से. EEPROM कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्रामड यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल. अब इसमें एक प्रोग्राम आपने सेव किया, ठीक है, अब उसको हटा के दूसरा सेव करना है, तो एक कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए उसको इरेज किया जाता है पहले वाले प्रोग्राम को, फिर दूसरा प्रोग्राम इस पर सेव किया जाता है. तो ये हमने मेन मेमोरी की फर्स्ट टाइप रीड ओनली मेमोरी पढ़ी, ठीक है, वो एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया. फिर रीड ओनली मेमोरी यानी ROM की थ्री टाइप हमने कर ली, PROM, EEPROM, EEPROM. यहाँ पर ROM जो है वो फिनिश हो गया टॉपिक. अब मेन मेमोरी की सेकंड टाइप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM. ये यूज़र कंसर्न है, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो RAM यूज़ कर रहे होते हैं. RAM is also known as read-write memory because it allows you to perform both read and write operation. देखिए ROM को हम कहते हैं read only memory. क्यों कहा था? क्योंकि CPU can only read the program save in the ROM. It cannot write on it. ठीक है, ROM में program कोई save नहीं कर सकता CPU, सिर्फ computer उससे program read कर सकता है, यानी जो program है file है उनको execute कर सकता है, run कर सकता है, लेकिन कुछ write या save नहीं कर सकता. लेकिन RAM जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम उसका दूसरा नाम क्या है, रीड राइट मेमोरी. रीड राइट बोथ फंक्शन, वी कैन रन प्रोग्राम सेव इन द मेमोरी एंड वी कैन ऑल्सो सेव प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम ऑन RAM. दोनों फंक्शन अलाउ करता है, रीड और राइट ऑपरेशन. इट इज़ टेम्पररी इन नेचर, ROM परमानेंट था, ठीक है ना, एक दफ़ा जो आपने सेव किया परमानेंटली सेव हो गया. लेकिन RAM क्या है, टेम्पररी नेचर है, थोड़े वक्त के लिए सेव होता है. इट इज टेम्पररी इन नेचर इन द सेंस दैट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ द कंटेंट ऑफ RAM गेट्स इरेज्ड. थर्ड इज आल्सो सेट टू बी वॉलेटाइल इन नेचर. क्यों कह रहे हैं हम ये कि टेम्पररी मेमोरी है, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर की पावर ऑफ होती है, ठीक है, अब वो कैसे भी ऑफ हो, आप उसको ऑफ कर रहे हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, किसी भी तरह भी कंप्यूटर जो स्विच ऑफ होता है, द कंटेंट ऑफ RAM गेट इरेज. तो RAM के जो कंटेंट है यानी RAM में जो कुछ राइट हो रहा है वो सब इरेज हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, साफ हो जाता है, डिलीट हो जाता है. थस इट इज़ ऑल्सो सेट टू बी वॉलेटाइल इन नेचर. इसलिए हम RAM को क्या कहते हैं, वॉलेटाइल, और ROM को कहते हैं नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल ख़त्म होने वाली, फिनिश हो जाने वाली, ठीक है, पावर जब तक है रैम में, मेमोरी में जो कुछ आप राइट कर रहे हैं वो है, और जैसे ही पावर ऑफ हुई तो इरेज हो जाता है, इसलिए ये वॉलेटाइल नेचर है. इन एनी कंप्यूटर सिस्टम रैम इज़ मच लार्जर देन ROM बट स्टिल हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर डेटा. अब रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ROM से हर कंप्यूटर में ज़्यादा होती है. ROM में तो आपको मैंने बताया ना, यूज़र के लिए तो है ही नहीं, वो कुछ इंपॉर्टेंट फाइलें चाहिए होती है कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए, वो ROM में होती है, तो उसकी मेमोरी बहुत कम है, रैम की उससे ज़्यादा है, ठीक है, रैम की मेमोरी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लिमिटेड है रैम की भी. सो सेकेंडरी मेमोरी इज़ नीडेड इन अ कंप्यूटर सिस्टम टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. तो फिर अगर हमें जब डेटा और इंफॉर्मेशन फाइल्स बहुत ज़्यादा हमें कैपेसिटी में स्टोर करनी होती है कंप्यूटर में, तो इसके लिए ज़रूरत होती है हमें सेकेंडरी मेमोरी की या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की. तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो सिर्फ यूज़ किस लिए हो रहे हैं, एक ROM है जो इंपॉर्टेंट फाइलें रखती है BIOS की कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, और दूसरी RAM है जो टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है, वो जब तक है जब तक लाइट है, तो वो परमानेंट नहीं है,
वो वॉलेटाइल नेचर की है, उसकी कैपेसिटी दोनों की ही कम है, तो इसलिए अपना परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए हमें ज़रूरत है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस की, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये अच्छी तरह क्लास समझ में आ गई आपके। रैम को एक दफ़ा और इस तरह से भी समझ लें कि जब आप कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंप्यूटर ऑन किया, रोम ने हेल्प की कंप्यूटर को ऑन करने में, आपको स्क्रीन नज़र आ गया, उसमें से कोई भी आपने सॉफ्टवेयर रन करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर पेंट खोला या आपने वर्ड खोला, आप पेंट में ड्राइंग कर रहे हैं या वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, तो जब आप उस जिस भी सॉफ्टवेयर में आप रन कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो रन हो रहता है रैम में। ठीक है, रैम को आप समझ लें कि कंप्यूटर की जैसे डेस्क है, ठीक है, जिस पे आप रख के काम कर रहे होते हैं, सही है, तो वहीं पर ही काम हो रहा होता है। इसी वजह से ये होता है कि अगर आपने उसको परमानेंटली सेव नहीं किया, जो आप फाइल में जाके सेव करते हैं, जब आप परमानेंटली सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में सेव हो रहे होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क में सेव होता है। इसके अलावा अगर आपने फ्लॉपी में करना है, यूएसबी में करना है, तो उसके लिए आपको चूज़ करना पड़ता है कि कहाँ सेव करना है, लेकिन होते सारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज हैं जिसमें हम अपना वर्क परमानेंटली सेव करते हैं। ठीक है, तो जब तक वो कंप्यूटर ऑन है और हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कहा कि आप पेंट में एक ड्राइंग बना रहे हैं, आपने अभी उसको सेव नहीं किया, आप बना ही रहे हैं, काम कर रहे हो, लाइट चली जाए, तो जब दोबारा लाइट आए और आपने खोला, तो वो जो आपकी अनसेव फाइल होगी वो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो रैम में काम कर रहे थे, आप रैम में थी उस वक्त, वो कहीं सेव हुई नहीं थी। ठीक है, वो टेम्पररी सेव हुई भी थी, लाइट ऑफ हुई, रैम क्लियर हो गया, रैम आपको एम्प्टी मिलेगा जब आप दोबारा खोलेंगे। ठीक है, इसलिए वी नीड सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस टू स्टोर आवर डेटा परमानेंटली। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।